कानपुर जिले के नेपानगर शहर में रहते हैं जहरीले सांपों के दोस्त। जी हाँ, जो हर वक्त सांपों की सुरक्षा और संरक्षण को तैयार रहते हैं। कौन है वो, रिपोर्ट देखिए। आज हम मौजूद है बुरहानपुर जिले के नेपानगर शहर में, जहाँ रहते हैं सांपों के दोस्त के नाम से प्रसिद्ध एरिक साइमन जी, जिन्होंने कई जहरीले सांपों को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा है। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, उससे पहले हम जानते हैं उनके बारे में। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम एरिक साइमन है, जो मध्य प्रदेश के नेपानगर के रहने वाले हैं, जिन्हें नेपानगर के लोग सांपों के दोस्त के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, सांपों के दोस्त। दरअसल उन्हें ये नाम उनके सांपों के प्रति प्यार को देखकर मिला है। साइमन की माने तो उन्होंने कॉलेज के वक्त ही सांपों को पकड़ने का काम शुरू किया था, जो आज तक कर रहे हैं। और आज तक उन्होंने 7,807 सांपों को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा है, जिसमें रसेल वाइपर, स्वाइस्केल्ड वाइपर, कॉमन करेट, ग्रीन कीलबैक, ब्लैक कोबरा जैसे कई खतरनाक नाम शामिल हैं। लेकिन इस काम के दौरान उन्हें एक बार एक पद्म नागिन नाम के सांप ने काटा था। फिर भी साइमन ने अपना संयम नहीं खोया और अस्पताल पहुंचकर इलाज कराया और रात भर जग कर अपनी जान बचाई। मैंने सांपों के विषय में कॉलेज में पढ़ा था और उसके यानी सीखा था, परंतु मैं सांप पकड़ता नहीं था। परंतु फिर कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई थी कि मेरे को यानी मजबूरी में सांप पकड़ना शुरू करना पड़ा, क्योंकि गरीब लोगों के पास में पैसा नहीं होता था, तो वो जो पकड़ने वाले थे तो उनको नहीं दे पाते थे। तो उस कारण मैंने ठाना कि मैं फ्री में ये काम करूंगा, तो मैं फ्री में आज तक करूँगा। दरअसल एरिक साइमन नेता लिमिटेड के सिक्योरिटी विभाग में कार्यरत थे, लेकिन बावजूद इसके मिल ने उन्हें खुली छूट दी थी कि अगर कहीं से भी खबर आए तो वो सांप पकड़ने जा सकते हैं। साइमन के सांपों के प्रति इसी सेवा भाव को देखते हुए मिल के साथ साथ उनको कई संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों ने भी सम्मानित किया है। वहीं नेपानगर की एक संस्था निर्भय नेपा सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने साइमन को इसी काम के कारण सम्मान देकर अपनी संस्था का संरक्षक भी बनाया है। ग्रामीणों ने बताया है कि एक बार उनके गांव चांदनी में एक अजगर घायल हो गया था। दरअसल किसी ने अजगर का मुंह कुचलकर उसे छोड़ दिया था, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने साइमन को दी। सूचना मिलते ही साइमन मौके पर पहुंचे और उस सांप का इलाज कर उसके ठीक होने तक उसे अपने पास रखा और फिर जंगल में छोड़ दिया। हमारे यहाँ नेपानगर में अगर सांपों के दोस्त के नाम से एक ही व्यक्ति मशहूर है, वो है एरिक साइमन जी। क्या खूबी है उनमें? वो कहीं पे भी नेपानगर का एरिया हो या नेपानगर के आसपास हो, कहीं पे भी अगर सांप निकल रहा है किसी के घर में या आंगन में, तो उनको एक फोन करने की जरूरत होती है। वो फोन पे तुरंत पहुंच जाते हैं और उस सांप को तरीके से पकड़ के और जंगलों में छोड़ के आते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। जी हाँ, अच्छे तरीके से जानता हूँ। एक बार हमारे यहाँ अजगर घायल अवस्था में मिला था, तो हमने उनको फोन करके सूचित किया था। वो तुरंत आए, उन्होंने उसका इलाज किया। करीब इलाज एक महीना चला और स्वस्थ होने के बाद हमने उसको जंगल में वापस छोड़ दिया। आज तक वो अजगर जो है कभी नजर आता है, स्वस्थ है। एरिक साइमन ने एक अच्छा जीव प्रेमी होने का उदाहरण हमारे सामने पेश किया है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि हमें भी उनसे कुछ सीख लेने की जरूरत है। शहजाद अली, नेपानगर, हिंदी खबर।